दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में, खास करके हमारे भारत में, अपना प्रकोप फैला दिया है। ये इतना खतरनाक तरीके से फैल चुका है और ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमें मौका ही नहीं दे रहा है। जब किसी को कोरोना होता है तो उसके लक्षण दिख जाते हैं, उनके साथ कुछ परेशानियां होना शुरू हो जाता है और उनमें से ही एक बहुत बड़ा लक्षण है ऑक्सीजन की कमी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक लक्षण है। आज कोरोना चारों तरफ फैल चुका है और सभी को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। पहले तो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज हॉस्पिटल में बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो गया है। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जाने जा रही है। दोस्तों, हम भले ही खाना और पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपकी सांसें फूलने लगती है, थकान महसूस होने लगता है और आपके चेहरे का रंग और हाथों का रंग नीला पड़ने लगता है। इसके अलावा शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होने से कोरोना मरीजों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है, छाती में दर्द होने लगता है, खांसी और बेचैनी, तेज सिर दर्द करने लगता है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही जबरदस्त घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ, जो आपके शरीर के ऑक्सीजन लेवल को कभी कम नहीं होने दे। दोस्तों, अगर आप कोरोना के मरीज नहीं हैं, तभी आप इस नुस्खे को कर सकते हैं। या पूरी तरह से स्वस्थ है और आप चाहते हैं कि आपका फेफड़ा हमेशा साफ और स्वस्थ रहे, ऑक्सीजन लेवल बनी रहे, तो आप इस नुस्खे को जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा। इस उपाय को बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं लगेगी, यह आपके किचन से ही रखे सामानों से बन करके तैयार हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले आप एक स्पेन लीजिए और उसमें 200 ml पानी ले लीजिए और कम आंच पे इसे गर्म कर लीजिए। और उसके बाद हमें लेना है दोस्तों मुलेठी। अगर आपके पास मुलेठी का पाउडर है तो आप पाउडर ले सकते हैं, नहीं तो आप मुलेठी का 2 से 3 लकड़ियों को तोड़कर कूट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मुलेठी किसी भी तरह के सांस रोग को, गले की खराश को जड़ से खत्म कर देती है। दोस्तों, आपको मुलेठी को पानी में डाल करके तब तक उबालना है जब तक पानी, अगर हम 200 ml लेते हैं और वो 100 ml नहीं हो जाता है, तब तक आपको उबालना है। और उसके बाद आप क्या कीजिए दोस्तों, उसे छान लीजिए। जब आप पानी को छान लेंगे, उसके बाद आपको इसमें 2 चीज और डालनी है, वो है दोस्तों अदरक का रस 1 चम्मच। दोस्तों, अदरक भी हमें सांस के रोग या कफ के रोगों को पूरी तरह से खत्म कर देता है और हमारे फेफड़े को साफ करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। और दोस्तों, आखिरी में हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस। दोस्तों, नींबू का रस सर्दी खांसी के रोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त काम करता है। इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ही ज्यादा होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। अब हमें दोस्तों इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, देखिए ये रेमेडी बन करके तैयार हो चुकी है। तो आइए जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है। दोस्तों, अगर आप इस पानी का इस्तेमाल सुबह खाली पेट करते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से ऊपर हो जाएगा। दोस्तों, इसके इस्तेमाल से पहले दिन से ही आपको फर्क महसूस होने लगेगा, आप देखेंगे कि आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगा है। दोस्तों, अब जानिए कि इसका इस्तेमाल किसको नहीं करना है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल बच्चों और गर्भवती महिलाओं को नहीं देना है, इसके अलावा सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि यह 100% नेचुरल और होममेड है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए फायदेमंद हो, तो हमारे चैनल को जाते जाते लाइक शेयर कमेंट जरूर।